सुप्रभात बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। अब हमारा जो फोकस है वो फाइनल एग्जाम्स पे है, ठीक है। आपके बोर्ड्स होते हैं या जैसे भी आपके एग्जाम्स होंगे, उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे, ठीक है। वैसे तो मोस्टली आपका सिलेबस कम्प्लीट ही है, जो थोड़ा बहुत रहता है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और पिछले का जो वर्क है उसका रिवाइज करेंगे। बाकी जो आपने एग्जाम्स दिए हैं वो तो आपके सामने आ ही जाएगा रिजल्ट, लाइव क्लास में कल बात करेंगे उस बारे में। जो आपकी बुक है संचयन, उसका एक पार्ट जो था हरिहर काका, वो मैंने आपको अपने आप से पढ़ने को कहा था, उसमें से प्रश्न भी आया था, आपने लिखे भी हैं उसके आंसर। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है टोपी शुक्ला, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो ये भी मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, ये आप अपने आप से पढ़ेंगे। सिर्फ इसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको बता देती हूँ। टोपी शुक्ला जो पाठ है वो राही मासूम रजा ने लिखा है। पाठ का जो सार है, समरी, ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसके दो किरदार हैं, इफ़न और टोपी, वो आपस में मित्र हैं। इफ़न और टोपी में घनिष्ठ मित्रता थी। इनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब टोपी चौथी कक्षा का छात्र था। टोपी के जीवन की यह पहली मित्रता थी। टोपी आए दिन इफ़न के घर जाता था। टोपी को इफ़न की दादी से गहरा लगाव हो गया था। वह उसके पास बैठकर उनसे कहानियां सुना करता था। इफ़न और उसका परिवार, इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे, परंतु वे मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश को करबला ले जाया जाए। इफ़न की परदादी भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाती थी। वे बड़ी नमाजी बीबी थी, परंतु जब उनके इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वे चारपाई के पास एक पैर पर खड़े होकर बोली, माता मेरे बच्चे को माफ कर दियो। वे 9-10 वर्ष की आयु में ब्याह कर पूरब से लखनऊ आई थी। जब तक जिंदा रही पूर्वी बोली बोलती रही। यह मौलवी की नहीं, यह जमींदार की बेटी थी। दूध घी और दही खाने की शौकीन थी, परंतु लखनऊ में इन चीज़ों का अभाव था। जब वे मरी तो उन्हें बनारस के फातमैन में दफन किया गया था, ठीक है। तीसरा है टोपी का इफ़न की दादी से लगाओ। इफ़न को अपनी दादी से बहुत प्यार था। जब वह पूर्वी बोली में कहानियाँ सुनाती तो इफ़न और टोपी खुश हो जाते थे। टोपी को इफ़न की दादी अपनी माँ की तरह ही दिखाई देती थी, जबकि टोपी अपनी दादी से प्यार नहीं करता था। मतलब इफ़न करता था, टोपी अपनी दादी से प्यार नहीं करता था, लेकिन इफ़न की दादी से बहुत प्यार करता था। आगे है पूर्वी बोली पर हंगामा। भृगु नारायण शुक्ला के घर भी आधुनिकता का वातावरण दिखाई देता था। एक बार की बात है, परिवार के सभी लोग मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन कर रहे थे कि अचानक टोपी बोला, अम्मी जरा बैंगन का भुरता। अम्मी शब्द सुनकर सभी खाते खाते रुक गए। तभी टोपी की दादी सुभद्रा देवी बोली, अम्मी शब्द कहाँ से सीखा? टोपी ने जवाब दिया, ई हम इफ़न से सीखा है। तभी टोपी की माँ राम दुलारी बोल पड़ी, मैं कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिए बाय कारे। यह सुनते ही सुभद्रा देवी आग बबूला होकर कहने लगी, बहू तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने यह गवारों की जुबान मत बोला करो। टोपी की दादी तो चिढ़कर अंदर चली गई, परंतु माँ ने टोपी की बहुत पिटाई की। फिर भी टोपी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव टोपी के भाई यह नज़ारा देखते रहे, परंतु कुछ नहीं बोले। उस दिन टोपी को बहुत अकेलापन लगा। आगे है इफ़न की दादी का निधन। इफ़न की दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी। टोपी इफ़न को बात बात पर कहता रहता था कि हम दोनों अपनी दादी बदल लेते हैं। टोपी को अपनी दादी से तनिक भी लगाव नहीं था। जब इफ़न की दादी का निधन हुआ तो उस दिन वे दोनों दोस्त बहुत रोए थे। खासकर से टोपी को अपना जीवन इफ़न की दादी के बिना अकेला लगने लगा और वह बेचैन रहने लगा था। आगे है टोपी के जीवन में सन्नाटा। इफ़न की दादी की मौत की खबर से वह बहुत उदास हो गया। शाम को इफ़न के घर गया तो पहले से ज़्यादा लोग एकत्रित थे, परंतु सन्नाटा उससे भी कहीं अधिक। एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर बिल्कुल खाली था। टोपी ने एक बार फिर इफ़न से कहा कि कितना अच्छा होता तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती।
टोपी को ऐसा लगता था कि उसे उसके घर वाले प्यार नहीं करते, जिसे अधूरेपन को भरने के लिए वह इफन की दादी का सहारा लेता था। उनके देहांत के बाद उसका जीवन जो था सन्नाटे से भर गया। टोपी के जीवन में 10 अक्टूबर 1945 के दिन का महत्व। टोपी के जीवन में अधूरापन तब और बढ़ गया जब इफन का परिवार मुरादाबाद चला गया। 10 अक्टूबर 1945 के दिन टोपी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस दिन उसने प्रण लिया था कि अब ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की तबादले वाली नौकरी हो। इफन के पिताजी के तबादले के बाद टोपी ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, टोपी को कुत्ते से कटवाना। इफन के पिताजी के तबादले के पश्चात नए कलेक्टर साहब आए और उसी कोठी में रहने लगे। उनके 3 बेटे थे, डब्बू, नीलू और गुड्डू। उनमें से तीनों से ही टोपी की दोस्ती नहीं हो पाई। कोठी के माली और चपरासी टोपी को अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए टोपी ने एक बार हिम्मत करके कोठी में प्रवेश किया, परंतु किसी बात पर टोपी की उनसे कहा सुनी हो गई। उन्होंने टोपी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के काटने पर टोपी को अपने पेट में 7 सुइयां लगवानी पड़ी। तब से उसने कोठी की तरफ रुख भी नहीं किया। टोपी का नौकरानी से लगाव। टोपी के इस अकेलेपन का परिवार के लोग नहीं समझते थे, परंतु घर की नौकरानी सीता बखूबी महसूस करती थी। टोपी अब घर हो या बाहर हमेशा उदास रहने लगा था। वह सभी से दूरी बढ़ाने लगा, परंतु उसे नौकरानी भली लगती थी। वह टोपी का दुख समझती थी। टोपी उस बूढ़ी नौकरानी के आंचल की छांव में अपने सभी दुख दर्द भूलने का प्रयास करता था। अब टोपी की पिटाई। सर्दी के दिनों की बात है, मुन्नी बाबू और भैरव के लिए कोट का नया कपड़ा आया और टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। देखने में स्थिति अच्छी थी, परंतु था तो पुराना। टोपी ने वह कोट उसी समय नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। यह देखकर दादी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब तू जाड़ा खा, मतलब अब तू ठंड में मर। इस बात पर टोपी अपनी दादी से उलझ गया। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, जिसका दंड भी टोपी को मिला। माँ ने दादी से बहस करने पर उसकी खूब पिटाई की। नेक्स्ट है विद्यार्थी व अध्यापकों के का व्यवहार और परीक्षा परिणाम। टोपी 2 साल से लगातार फेल हो गया। पिछली कक्षा वाले बच्चों के साथ बैठना आसान काम नहीं था। उस पर अध्यापकों की बेरुखी। कक्षा में भी कोई अध्यापक उसे नोटिस नहीं करता था। अगर कभी ध्यान देते भी तब जब किसी टिप्पणी के माध्यम में उसे शर्मसार करना होता, मतलब जब उसकी बेइज्जती करनी होती। 2 साल लगातार पढ़ते पढ़ते टोपी किताबों से भी ऊबने लगा था। एक दिन अब्दुल वहीद ने ऐसी तीखी बात बोल दी कि टोपी ने इस वर्ष पास होने की कसम खा ली, और हुआ भी यही। पिता के चुनाव में खड़े होने के कारण टोपी को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय तो नहीं मिला, परंतु वह पास हो गया। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसकी समरी मैंने बता दी है। एक बार ये चैप्टर आपके पास 1 वीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपकी जो लाइव क्लास होगी तब तक मुझे ये चैप्टर की आपको समरी सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर फिर डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है।